अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने अपने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 सॉल्व किया था। आप चाहें तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट कर लेंगे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 9 है 18x4y³z² / 6ab² and 7y, और इनकी जो होल पावर है वो है 3। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे यही सवाल, 18x4y³z² / 6ab² / 5 की होल पावर है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, x³y³z² / 6ab² / 5 पावर है 3। ठीक है, अब 6 × 1 = 6 हो गया और 6 × 3 = 18 हो गया। तो अब क्या आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और साथ ही इसके साथ इसकी पावर आ जाएगी x4, इसकी पावर y³ और पावर आ गई, और z² के साथ भी इसकी पावर आ गई 3। ठीक है, इसके नीचे भी इसी तरह से 1 की कोई वैल्यू नहीं है, अंडरस्टूड है कि कोई नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है। a के साथ भी पावर आ गई, b² के साथ भी पावर आ गई, और c² के साथ भी इसकी पावर आ गई। अब नीचे ये सॉल्व हो जाएगा, तो 3 को हम 3 टाइम्स जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 27। एक्स को करेंगे तो हो जाएगा 4 × 3 = 12, वाई आ जाएगा यहाँ पर 3 × 3 = 9, जेड आ जाएगा 2 × 3 = 6, इसके बाद नीचे ए 3 आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा 2 × 3 = 6, और सी आ जाएगा 5 × 3 = 15। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा -30x10y8 / -5x³y² और इनकी जो होल पावर है वो है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, -30x10y8 / -5x³y² की पावर होल क्या है 2, -30x10y8 -5x³ और y² है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30 हो गया, और माइनस माइनस की साइन भी आपस में ख़त्म हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इनकी पावर्स दे देंगे। तो यहाँ पर 6 है तो 6 के पास 2 आ जाएगा इसकी पावर, x10 के पास भी 2 आ जाएगा, y8 के पास भी 2 आ जाएगा, नीचे x3 के पास भी 2 आ जाएगा, y2 के पास भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये सॉल्व होकर ऊपर चली जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, अब यहाँ पर हो जाएगा ये 6 × 6 = 36, ओके, एक्स है तो 10 × 2 = हो जाएगा 20, वाई है तो 8 × 2 = हो जाएगा 16, अब एक्स है 3 × 2 = हो जाएगा 6, वाई 2 × 2 = हो जाएगा 4। अब ये ऊपर चली जाएंगी वैल्यूज़, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, एक्स 20 है और वाई 16 है, देन एक्स आ गया 6 और वाई आ गया 4। ठीक है, अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ये हमारी साइन है माइनस में, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर ये 6 है और जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 36। ये x है, x में से ये 20 में से 6 चले जाएंगे तो रह जाएगा 14, और ये y है तो 16 में से जो 4 चले जाएंगे तो रह जाएगा 12। तो ये आ गया हमारा आंसर 10 क्वेश्चन का। इसके बाद 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन है हमारा, 3a³ b² c6, ओके, देन नीचे है x y z और इनकी जो होल पावर है वो है -5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसे लिख लेंगे 3a³ b² c6 अपॉन एक्स वाई जेड की होल पावर 5। अब यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इन्हें इनकी पावर्स दे देंगे। 3 के पास आ गया -5, a³ के पास आ गया -5, b² के पास आ गया -5 और c6 के पास भी आ गया -5। इसके बाद इसी तरह नीचे x के पास आ जाएगा -5, y के पास आ जाएगा -5 और z के पास भी आ जाएगा -5। अब इसे माइनस का साइन ख़त्म करने के लिए नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा x5 y5 z5, ठीक है। और इसी तरह ये नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 3 5, a है a 3 5, b² 5 और c 6 5। अब एक और स्टेप होगा और ये सॉल्व हो जाएगा, x5 y5 और z5 इसी तरह आ गया। अब नीचे 3 को हम 5 टाइम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो क्या आ गया, 243। अब ए है तो 3 5 ज़ार हो गया 15, बी है तो 2 5 ज़ार 10 और c 6 5 ज़ार 30। तो ये आ गया हमारा आंसर 11 क्वेश्चन का। इसके बाद 12 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन है हमारा, 12 m4 n3 p2, ओके, और इसके नीचे है 6m2 n2 और p और होल पावर है इसकी 2। अब इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन सब को सॉल्व करते हुए 2m4 n3 p2, 6m2 n2 और p ये होल पावर 2, तो 6 1 6 हो गया और 6 2 हो गया 12। तो यहाँ पर अब हम इनकी पावर्स दे देंगे, इन्हें 2 के ऊपर 2 आ गया, m4 के ऊपर भी 2 आ गया, n3 के ऊपर भी 2 आ गया, p² के ऊपर भी 2 आ गया, इसी तरह नीचे m2 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, n2 के ऊपर भी 2 आ जाएगा, पी के ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब नीचे 2 2 4 हो गया, m 4 2 8, n 3 2 6, p 2 2 4, नीचे m है 2 2 4, n 2 2 4 और p के पास सिर्फ आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर लेकर आएंगे तो ये जो पावर्स हैं वो माइनस में हो जाएंगी, तो ये है हमारा 4m8 n6 p4, फिर m आएगा माइनस का 4, n आएगा माइनस का 4 और p भी आएगा माइनस का 2। अब इन्हें करीब ले आएंगे तो 4m8
m माइनस फोर, n सिक्स, n माइनस फोर, p फोर और p माइनस टू। अब इन्हें कॉमन ले लेंगे, एट माइनस फोर, n सिक्स माइनस फोर और p फोर माइनस टू, तो आंसर आ गया फोर। m आठ में से चार गए, चार बच गए, n छः में से चार गए, दो बच गए और p चार में से दो गए तो दो बच गए। तो ये आ गया हमारा 12th क्वेश्चन का भी आंसर। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये जो क्वेश्चन था आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।